राम आएंगे तो अंगन सजाऊंगी, मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे। राम आएंगे तो मैं अंगन सजाऊंगा। आपने पूरी बैंड टीम पीएसी की लता मंगेशकर चौक पर राम के भजन, राम के गीत यहाँ पर बजा रही है पूरी टीम के साथ, ढोल नगाड़े और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि पूरा देश, एक माहौल आपको मैं दिखा दूं पूरे लता मंगेशकर चौक का, कि किस तरह से राम धुन में लोग गाते हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं और सबके जवां पर एक ही धुन है, एक ही नारा है कि जय जय श्री राम। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तो गाना भी, गीत भी गा रहे हैं कि जागोरे एक बार हिंदू जागोरे। यानी कि पूरा देश एकजुट श्री राम के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर नजर आ रहा है और कोशिश यही है कि सबका कोशिश, मतलब बेसब्री से इंतजार है सबका कि बस वो पल जल्दी से जल्दी आ जाए कि जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो और फिर उसके बाद सब भगवान राम लला के दर्शन कर सके, क्योंकि सैकड़ों सालों तक इंतजार किया गया है उस पल का। और यही कारण है कि चाहे आम भक्तों, खास भक्तों या सरकारें हों, वो इस पल के लिए अपना जो भी योगदान दे सकती हैं वो अपना योगदान देती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश यानी कि योगी सरकार की पीएसी की टीम है जो राम धुन बजाते हुए नजर आ रही है लता मंगेशकर चौक पर और राम को याद कर रहे हैं, राम को बुला रहे हैं कि राम आए। सब बेसब्री से ये राम लला आपका इंतजार कर रहे हैं। और पीएसी नहीं, हर डिपार्टमेंट की कोशिश है कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपना गिलहरी सा योगदान जरूर दें।